के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ, आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है दराज से एक और पार्सल मैंने जो है वो मंगवाया था और मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये किस तरह की चीज़ है। मैंने जो है वो इसको अभी फ़िलहाल खोला नहीं है, आप लोगों के साथ खोल के दिखाऊंगी कि कैसी चीज़ है। मैंने जो है वो दराज से एक अदद पेन, फ्राई पेन मंगवाया था और 26 सेंटीमीटर का पेन था वो विड्थ वाइज, लेंथ वाइज, तो उस और उसके साथ लिड भी थी। तो देखते हैं कि आया कैसा फ्राई पैन वहाँ या इन्होंने हमें भेजा है। अच्छा, ये जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं ये लिड के साथ, आई थिंक ऊपर का जो लिड के साथ जो उसका नॉब होता है ये वो है, और ये सेलर का लेटर है जो सेलर से हमने मंगवाया है शेफ के। 26 सेंटीमीटर का ये राउंड फ्राई पैन है। अच्छा जो अच्छा ये नॉन स्टिक था, एक एक चीज़ करके देख लेते हैं। फ्राई पैन जहाँ तक बात करें तो मुझे फ्राई पैन बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा लगने वाली कोई चीज़ है नहीं। नॉन स्टिक है और ये नॉन स्टिक मटेरियल नज़र आ रहा है साफ वाजह है, ये नॉन स्टिक है। नीचे से इसका बेस ऐसा है, सिल्वरी है। अच्छा कुछ ऐसे भी फ्राई पैन हैं जिनका सिल्वरी बेस नहीं होता, मुझे ये काफ़ी मेरा दिल था कि मैं इस तरह का फ्राई पैन मंगवाऊँगी। तो अच्छा इसके अलावा इसका वेट देखें तो ये बहुत लाइट वेट है, और किचन में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो हमारे पैंस होते हैं या हमारे जो कुकवेयर्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और उनको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। पहली बात वो ख़ुद हैवी होते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा खाना उसमें डाल देते हैं तो वो हमारे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत लाइट वेट है और ईज़ी टू हैंडल आई थिंक है, बाकी के इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आ सकेगा कि ये कैसा है। इसके अलावा इसकी लिड है, हमने जो है वो ये भी इसी से मंगवाई थी, इसी के साथ आई है लिड के साथ। उसका नॉब भी है और नॉब जो है वो इसके साथ अटैच नहीं है। अच्छा ये अटैच करना पड़ेगा आई थिंक, तो ये अटैच कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके ऊपर का जो है वो पन्नी हटा रही हूँ। इसका लिड जो है वो काफ़ी हैवी है, हैंडल करने में बहुत मसला हो रहा है इसको, लेकिन बहरहाल ये बहरहाल इसको टाइट में जो है वो स्क्रू ड्राइवर से ही करूँगी। टाइट कर लिया है ये लिड, इस पर रख के देखते हैं फ्राई पैन पे कि ये इसके ऊपर पूरी तरीके से इक्वल है या नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इक्वल है, बल्कि मुझे तो ये थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, लेकिन ये इक्वल है, मतलब ये एयर टाइट करने के लिहाज से है। इसके अंदर एक थोड़ा सा होल भी है जो अगर आप कवर कर दें तो ये मुकम्मल एयर टाइट हो जाएगा, और खोल दें तो इसमें थोड़ा सा जो भाप है वो बाहर आती रहती है, जिससे हमें अंदाज़ा होता रहता है कि अंदर का टेम्परेचर कितना है, या उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अंदर वाली चीज़ बॉयल होना शुरू हो गई है या क्या हुआ। बहरहाल ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, मगर इसका लिड बहुत हैवी है, और इस लिड ज़ाहिर है कांच का बना हुआ है तो हैवी तो हो गई, लेकिन जिस लिहाज से ये बहुत लाइट वेट है उसके लिहाज से ये बहुत मुझे हैवी लग रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ कि इसके साथ हम इसको उठाएंगे तो ये मुझे बहुत हैवी लग रहा है। लेकिन बहरहाल ये 26 सेंटीमीटर का कोई भी पॉट हो हम उसके ऊपर एडजस्टेबल कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने साथ गुंजाइश लिए हुए है। इस तरह से इसके अंदर गुंजाइश नज़र आ रही है मुझे इसके साइड से, तो ये इतने बड़े पॉट के लिए भी है और इतने बड़े पॉट के लिए भी है, तो ये मुझे हाईली रिकमेंड आई थिंक कि ये वाली जो चीज़ है बहुत अच्छी है। तो बाकी एक इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा कि ये कितनी जो है वो एयर टाइट है ये पैन, या जो खाना बन रहा है इसमें कितना हमारे लिए आसानी है। बाकी एक अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे मुश्किल में पेश आ रही है वो ये है कि ये उमूमन कुछ ऐसे लिड्स होते हैं जो काफ़ी टाइट होते हैं, मतलब रखने के बाद उसमें से
एयर एवेपोरेट नहीं होती। ये पकाते हुए पता चलेगा कि ये कितना कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्टील हैं, यहाँ भी स्टील मौजूद है और यहाँ भी स्टील मौजूद है, और ये रखने से पता चल रहा है कि जैसे ये आपस में टन टन टन। बहरहाल हमारे पास जिस स्टोर का है, ये शेफ स्टोर है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को नज़र आ गया होगा। हमने इसको जो है वो दराज मॉल के ऑफिशियल शेफ स्टोर है उससे हमने मंगवाया है। तो ये जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बाकी है कि जब इसको पकाएंगे तभी पता चलेगा कि ये किस किस्म का। अच्छा, यहाँ पर जो है इसकी प्राइस जो मेरे पास गिवन है वो 1350 है, ठीक है, और इसकी शिपिंग इन्होंने हमें दी है 80 रुपये, तो इस तरह 1430 रुपये जो है वो टोटल हमको पड़ा है टोटल कॉस्ट इसकी। तो ये दराज मॉल पे जो है पेन और इसकी लिड अलग-अलग भी मिल रही थी और साथ में मिल रही थी, तो मैंने जो है वो ये मिलाकर ही बाय किया है, और मेरी ज़रूरत के मुताबिक इसको मिलाकर ही बाय करना चाहिए था मुझे, मेरी किचन में इस वक्त इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत है, तो इस वजह से। बहरहाल आप लोगों ने अगर इस वक्त तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, अपनी राय देना ज़रूरी समझा करें, ज़रूर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.